हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मास क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिसे हम फ्लावर्स और लीव्स की हेल्प से बहुत ही प्यारा मेहंदी डिज़ाइन बनाएंगे। इसमें हमें सदा सुहागन या सदा बहार फूल का यूज़ करना है, जिसे इंग्लिश में पैराविंकल या विंका रोजिया भी कहते हैं। साथ ही हमें नीम के लीव्स का यूज़ करना है। फ्लावर्स और लीव्स के साथ हमें पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। हमें थोड़ा सा ही पानी लेना है और सीज़र लेना है। अब हमें एक फ्लावर लेना है और उसके स्टेम को एकदम क्लोजली कट कर लेना है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। फ्लावर्स लेके उसके स्टेम को अच्छे से एकदम क्लोजली कट कर ले। अब हम नीम के लीव्स को भी ऊपर की तरफ से तीन तीन के सेट में कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें सारे फ्लावर्स और लीव्स को कट कर लेना है। आइए देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम पानी में फ्लावर्स को डिप करेंगे और फिर अपने हथेली में लगाएंगे। चिपकाने के लिए हम थोड़ा सा डैप करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्लावर्स चिपकाने के लिए पानी की जगह फेविकोल का ही भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे फ्लावर्स और भी अच्छे से चिपके। पर इस वीडियो में आज हम सिर्फ पानी का ही यूज़ करेंगे फ्लावर्स चिपकाने के लिए। इसी तरह हम सारे फ्लावर्स और लीव्स को अच्छे से चिपका लेंगे। मेहंदी से सारे फ्लावर्स एंड लीव्स के एजेस को लॉक कर लेंगे। डॉट डॉट्स में हमें लॉक कर लेना है सारे एजेस को। लॉक करने के बाद आप उसे थोड़ी देर ड्राई होने जरूर रखिएगा। जिससे हमारा फ्लावर एकदम स्टेबल रहेगा। इसके बाद हम सारे फ्लावर्स एंड लीव्स के जो एजेस हैं उसे मेहंदी से अच्छे से फिल कर लेंगे। अगर आप फेविकोल का यूज़ करते तो एजेस को इतना फिल नहीं करना पड़ता, क्योंकि फेविकोल से बहुत ही अच्छे से चिपक जाता। पर हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसे अच्छे से लॉक कर लेना है। पलाई में भी हम डिज़ाइन थोड़ा बना लेंगे। अब हम मेहंदी से
पूरे हथेलियों को फिल कर लें। फिल करने के लिए हम ब्रश का यूज करेंगे। ब्रश से हमें एकदम स्मूथली ही मेहंदी को फैलाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेहंदी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या सजेशन हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। मैं ज़रूर आपके क्वेरीज का आंसर करूँगी। मेहंदी को अच्छे से फिल करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लें। ड्राई होने के बाद आप अच्छे से सारे फ्लावर्स एंड लीव्स को रिमूव कर लें। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मेहंदी का फाइनल लुक बहुत ही प्यारा और यूनिक डिज़ाइन उभर कर आया है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरे ट्रिक और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।